बांग्लादेश में हालात कैसे हैं, पिछले कई दिनों से लोग इसे देख रहे हैं। सभी ने देखा कि किस तरह एक मुल्क की आवाम ने कानून को अपने हाथ में लिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। और दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है जब हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और अपनी रक्षा और अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। उस दिन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं दिखा, क्या सड़क, क्या पीएम हाउस, आवाम सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा थी। जिसके हाथ जो भी लगा वो उसी पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस बीच अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय पर हुई बर्बरता की तस्वीरें भी सामने आई, जिसकी पूरी दुनिया ने विरोध किया। भारत के प्रधानमंत्री ने भी बांग्लादेश से हिंदुओं की रक्षा की अपील की और अब जनता भी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बांग्लादेश की हिंदू लड़कियां भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह ये लड़कियां अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इस दौरान ये लोग बांग्लादेश नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही बर्बरता, हमलों, आगजनी और लूटपाट के विरोध में बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच बड़ा प्रदर्शन किया। राजधानी ढाका के शाहबाग में हजारों हिंदू जमा हुए और देश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। रैली के आयोजकों ने हाल ही में हुए हिंदुओं पर हमलों का जिक्र किया और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा देने की बात कही। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ ने शनिवार को अल्पसंख्यक समुदायों खासकर हिंदुओं पर हो रही हमलों की निंदा करते हुए उन्हें घृणित बताया। उन्होंने बांग्लादेश की जनता से पूछा कि क्या वे देश के लोग नहीं हैं? आप देश को बचाने में सक्षम हैं? क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? जबकि हिंदू समुदाय ने सुरक्षा और न्याय की मांग करते हुए अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बांग्लादेश की सड़कों पर किया। प्रोफेसर यूनिस ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको कहना चाहिए कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो मेरे भाई हैं, हमने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है और हम अब साथ हैं। उन्होंने छात्रों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को नुकसान से बचाने का आग्रह किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।